Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र होता है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी कथा है कि भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बह निकली। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आया और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। तब वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नर्मदा के प्रेम की और कथा मिलती है। सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में 7 पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज बन पा। तभी सोनभद्र के जीवन में जूहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खा ली। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के कंटक शिखर से हुई है। बता दें कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।